नवरात्र उत्सव के पावन पर्व पर घंटसोली सेक्टर 10 स्थित सिडको निर्मित मेघ मल्हार गृह संकुल में महानगर गैस घरगुती पाइपलाइन जोड़ने के काम का शुभारंभ एरोली के विधायक गणेश नायक के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक मौजूद रहे। साथ ही उपस्थित थे नवीनबी महानगर पालिका शहर अभियंता संजय देसाई, कार्यकारी अभियंता मनोज पाटिल सहित गृह संकुल के असंख्य रहवासी। बता दें कि तकरीबन 1295 फ्लैट से युक्त इस गृह संकुल को सबसे बड़े रिहायशी गृह संकुल के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में गृहिणियों को उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें सुविधा मुहैया करवाने के लिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि घनसोली नोड में स्थित इस मेघ मल्हार सोसाइटी में आज बड़े पैमाने पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नागरिक असंख्य समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। नागरिकों ने गणेश नायक के सम्मुख रस्ते के कॉन्क्रीटीकरण, सभा मंडप का निर्माण, खेल मैदान की व्यवस्था, हाई मास्ट की व्यवस्था, कम दबाव युक्त जलापूर्ति की समस्याओं को हल करने, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे की मांग की। इस दौरान गणेश नायक ने सिडको के अधिकारियों के साथ नवीनबी महानगर पालिका के अधिकारियों को तुरंत जनता की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन तमाम समस्याओं को वार्ड फुटिंग में निराकरण की सूचना दी। वहीं उन्होंने नागरिकों की मांग पर सभा मंडप के निर्माण हेतु 20 लाख रुपयों की विधायक निधि की भी घोषणा की और वादा किया कि जनता की समस्याओं के निराकरण में वे पूर्ण तौर पर कटिबद्ध रहेंगे। यही कारण था कि नागरिकों को बड़ी दिलासा देने के लिए रहवासियों ने गणेश नायक और डॉक्टर संजीव नायक का आभार व्यक्त किया। बता दें कि 1.5 महीने में महानगर गैस पाइपलाइन के काम को यहां अमली जामा पहनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए गणेश नायक ने कहा कि सिडको और नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण किया जाएगा। मेघ मल्हार सोसाइटी 1295 फ्लैट की सोसाइटी है, इतके ऑफिस एवढे छोटे आहे 16x15 ते मोठं ऑफिस करायला मी सिरकेना सांगितलं सिडकोच्या माध्यमातून। इथे आज MGL गॅस पुरवठा देण्याचं काम आजपासून सुरू झालं, 1.5 महिने पूर्ण होईल। संजू नायक येऊन तिथं उद्घाटन करते, पाणी पुरवठा वाढवायचं आहे, त्याची एकूण पाईपची साईज वाढवायची, स्टेज कार्यक्रम करण्यासाठी पाहिजे ते आमदार फंडातून 20 लाख रुपये मी त्यासाठी जाहीर केले, तर ते लगेच माझ्या दृष्टिकोनातून येत्या गणपतीच्याकरता तो स्टेज तयार होईल। बाजूचा रस्ता आहे, त्या रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण होणार आहे। आता कुठल्या कॉम्प्लेक्समध्ये महापालिकेचे हॅलोजन नाही बसते चालत, म्हणून त्यांना सांगितलं की बाहेर लावा, याचा उपयोग आतल्या लोकांना होईल। एकूण CCTV कॅमेरे पण लावायला सांगितले, एकूण लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्या दूर करण्याकरता कमिटी सक्षम आहे, पण कमिटीला आम्ही पूर्ण मदत करणार। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।